रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कल का सत्र बड़ा महत्वपूर्ण रहा, चर्चा भी हुई, उसके बाद आरोप प्रत्यारोप के दौर भी शुरू हुए, उसके बीच में तमाम ऐसी बातें आईं जिसको लेकर जो मामले हैं, जो आरोप प्रत्यारोप हैं, उसकी सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। कल अखिलेश यादव ने महत्वपूर्ण बात कहते हुए कहा कि अगर रामराज की कल्पना करना है या रामराज की अवधारणा को धरातल पर उतारना है तो उसके लिए आपको समाजवाद का रास्ता अपनाना पड़ेगा। बिना समाजवाद के रामराज की कल्पना करना ही व्यर्थ है, संभव ही नहीं है, क्योंकि समाजवाद के रास्ते ही आप रामराज की स्थापना कर सकते हैं। और अगर कुछ बेहतर हो रहा है तो उसके लिए हम समर्थन देने को तैयार हैं, पर बशर्ते तरीका सबके लिए हो, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की बात हो रही है तो यहाँ पर जो उसका मूल बिंदु है वो कहीं ना कहीं समाजवाद के रास्ते ही होकर जाता है। तो इस पर पलटवार करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बात कही कि समाजवाद जो आप दिखा रहे हैं वो पाखंड है, यह अमीरों को गरीब बनाता है, गरीबों को गुलाम बनाता है, और इसके साथ साथ जो व्यवस्था है समाजवाद की उसके तहत नेता अपने ही लोगों को शक्तिशाली बनाते हैं, स्वयं शक्तिशाली बनते हैं और गरीबों को गुलाम बनाते हैं, उनका शोषण करते हैं। ये समाजवाद केवल पाखंड है, जिस समाजवाद की बात सपा प्रमुख अखिलेश यादव कह रहे हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी की जो आधारशिला है, जो सोच है, वो सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की है। उसमें तनिक भी कोई संशय नहीं है कि यहाँ पर किसी वर्ग के लिए विशेष किया जा रहा है, किसी वर्ग को यहाँ पर दरकिनार किया जा रहा है। कल तमाम तरह के महत्वपूर्ण बिंदु हमने देखे और हमने ये भी देखा कि इस विधानसभा सत्र के दौरान, इस बजट सत्र के दौरान लगातार अखिलेश यादव ने तमाम बातें स्पष्ट रूप से कहीं, सरकार को तमाम मुद्दों पर घेरा भी, और उन्होंने एक गंभीर नेता की तरह अपनी बात सदन में कही। सपा प्रमुख की भूमिका एक मजबूत विपक्ष के रूप में नजर आई और उन्होंने जो मुद्दे उठाए उस पर सरकार से शांति से जवाब भी मांगे कि अगर बेहतर हो रहा है तो उसका समर्थन भी है और अगर गलत है तो उसका विरोध करना लाजमी है, क्योंकि हम विपक्ष हैं और जनता ने हमको जनाधार के रूप में बैठाया है और इसी के तहत हम अपनी भूमिका का यहाँ निर्वाह करेंगे। फिलहाल महत्वपूर्ण चर्चा विषय इसलिए है कि अखिलेश यादव ने जिस तरह से कहा कि समाजवाद से ही रामराज की कल्पना स्थापना संभव है, उसको लेकर जिस तरह से आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हुए, कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट करते हैं, मुद्दा कोई भी हो पर राजनीति में बयान सबसे जरूरी होते हैं। फिलहाल इस मुद्दे पे जरूरी बयान सुनते चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आपकी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी कहाँ गई, मैं थोड़ा उसके बारे में आप थोड़ा वो करते थे, बता देते तो ठीक रहता। लोकतांत्रिक समाजवाद भी है, प्रजातांत्रिक समाजवाद भी है, प्रगतिशील समाजवाद भी है और पारिवारिक समाजवाद भी है। ये क्या प्रदेश का कल्याण कर पाएगी? और इसीलिए इसके बारे में बार बार कहा जाता है, यह एक मृग तृष्णा है जिसके बारे में कहा गया है कि यह अमीरों को गरीब बनाता है, गरीबों को गुलाम बनाता है, बुद्धिजीवियों को बेवकूफ बनाता है, केवल नेताओं को अपने स्वयं के लोगों को शक्तिशाली बनाने का आज के दिन का सबसे बड़ा पाखंड है समाजवाद। समाजवादी विचारधारा से ही समाज में खुशहाली आ सकती है, एकता आ सकती है। ये कहते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, फिर हिंदू मुसलमान का झगड़ा कौन करा रहा है? अगर आज सदन में बहुत सारे लोग कहते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हैं, लेकिन राजनीति के लिए हम जाति में भी हैं, हमें कुछ भी कह दोगे आप पूजा नहीं करने दोगे, हमारा अगर घर होगा तो उसको गंगा जल से नहलवा हो गया। महत्वपूर्ण चर्चा विषय है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से बातें चल रही हैं, कहीं ना कहीं लंबे चले विधानसभा के बजट सत्र के बाद इस तरह की जो भूमिका है उसकी हम कल्पना भी कर रहे थे, वो हुआ भी। खैर, चर्चा विषय महत्वपूर्ण है, मैं जो रूबरू करा दूँ, किसी जन
बीजेपी पर पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता सपा से भुवन भास्कर जोशी पर पक्ष रखेंगे, त्रिपाल सिंह सलूजा आम आदमी पार्टी पर पक्ष रखेंगे, सुनील त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकारों में पक्ष रखेंगे और वेद प्रकाश मिश्रा आरएलडी से अपना पक्ष रखेंगे। आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा वो रहेगा नेता भाजपा से, किसी भाई जिस तरह से यहाँ चर्चा हुई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज समाजवाद की कल एक अलग धारणा बताई, जिस समाजवाद को लेकर लगातार अखिलेश यादव कह रहे थे कि समाजवाद से रामराज जाएगा, वो अलग ही समाजवाद की डेफिनेशन, उसकी एक व्याख्या मुख्यमंत्री ने कर दी, इस व्याख्या से कहां तक सहमत? देखिए गौरव जी, जी 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 बोलिए। देखिए गौरव जी, सदन के अंदर एक एक करके तमाम सारे विषयों पे चर्चा हुई जी, और आपने ये भी देखा कि सदन के अंदर जातिगत जनगणना तक बात पहुंची जी, और देखिए तमाम सारे प्रयोग श्री अखिलेश यादव जी इस समय कर रहे हैं, क्योंकि वो इस बात को अच्छी तरीके से जान गए हैं कि जनता ने समाजवादी पार्टी को जिस प्रकार से अस्वीकार कर दिया है और तमाम जगहों पे जो चुनाव हुए उसमें भी कहीं ना कहीं लगातार समाजवादी पार्टी को मुंह की खानी पड़ रही है, तो ऐसे में लगातार समाजवादी पार्टी प्रयोग कर रही है। पहला प्रयोग उन्होंने किया कि रामायण की पंक्तियों को लेकर के स्वामी प्रसाद मौर्य जी को आगे किया और उसमें रामायण की पंक्तियां जलाई गई, रामायण जलाई गई, तमाम सारी बातें जी। जब वहां बात नहीं बनी, वहां पे जनता ने विरोध किया, तो दूसरा तरीका अपनाया कि वो जातिगत जनगणना, जातिगत जनगणना, तमाम सारी बातें जाति और धर्म पे होती रही जी। आज अखिलेश यादव जी फिर वही लौट पोट के वही मुद्दा ले आए, लौट के बुद्धू घर को आए वाली स्थिति है। ये कौन सी बात है? आप नहीं 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 आप धर्म और जात की राजनीति कर रहे हैं। नहीं, लौट के बुद्धू घर को आए मतलब ये है कि आप जहां से शुरू करते फिर वही आ गए। अच्छा, मुहावरा पढ़ रहे हैं। जबकि आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का जो मोटो है सबका साथ सबका विकास, उसको लेकर के चल रहे हैं। अच्छा, और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी स्पष्ट किया कि समाजवादी पार्टी का जो समाजवाद है वो जो है परिवारवादी समाजवाद है, वो उद्योग वो पूंजीपतिवादी समाजवाद है। अच्छा, क्योंकि जो पैसे वाले उनको और पैसा वाला बनाता है, जो गरीब है उनको और गरीब बनाता है, और जो बुद्धिजीवी है उनपे भी ये समाजवादी लोग लगातार सवाल खड़े करते हैं। अच्छा, आप देखिए जब जब चुनाव होता है और चुनाव में जब हार का सामना करना पड़ता है तो इसी जनता को, इसी बुद्धिजीवी जनता को बेवकूफ बनाने का, बेवकूफ साबित करने की कोशिश समाजवादी पार्टी करती है। अच्छा, क्या कहती है कि भाई आपने तो चोरी से चुनाव जीत लिया, आपने तो बेईमानी से चुनाव जीत लिया, आपके पास चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग ने बेईमानी करके चुनाव जिता दिया। अच्छा, अरे जनता जनार्दन है, जनता के जनादेश को स्वीकार करना चाहिए। अच्छा, जनता को बेवकूफ बुद्धिहीन नहीं मानना चाहिए। जनता 5 साल तक इंतजार करती है सरकार बदलने के लिए जी, और वो एक एक चीज पे मंथन करती है। उसके बाद में 5 साल के बाद जब चुनाव आता है तो जनता जो अपना वोट है, वोट की चोट दे करके वो निर्णय लेती है कि किसको चोट देना है और किसको वोट दे करके सत्ता में बैठाना है। अच्छा, तो ये बुद्धिजीवी वर्ग को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा उसको ये लगातार सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। और जो परिवारवाद है, परिवारवाद भी सामने उभर के बार बार आ रहा है कि ले दे करके वही परिवार के लोगों तक ही पार्टी का जो नेतृत्व है वहीं तक आज भी सीमित है। अच्छा, तो कुल मिलाकर के क्या आप कैसे समाजवाद की बात कर रहे हैं? अच्छा, समाजवाद लोहिया जी का जो समाजवाद था, क्या वो समाजवाद आज समाजवादी पार्टी में है? क्या जो लोहिया जी कहते थे कि जो सबके लिए जो बात करते तो लोहिया जी रामायण मेले की बात करते थे, और आज आप रामायण जलवा रहे हैं? लोहिया जी तो रामायण मेला लगवाते थे। अच्छा, और आप रामायण की पंक्तियां जलवा रहे हैं, रामायण जलवा रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को आगे कर रहे हैं, और उसके बाद में उनको पुरस्कार भी देते हैं, आप उनको आप पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बना देते हैं जी। तो ये कैसा समाजवाद है? क्या ये लोहिया जी का समाजवाद है? अच्छा, ये लोहिया जी का समाजवाद बिल्कुल नहीं। लोहिया जी भी जो है गरीबी और अमीरी की खाई को पाटने की बात करते थे। आज देख लीजिए कि समाजवादी पार्टी में सिरमौर जितने लोग हैं उनकी पहले कितनी संपत्ति थी। आप समाजवाद के खिलाफ हैं कि अखिलेश यादव के खिलाफ है? ना मैं परिवार के खिलाफ हूँ, ना मैं अखिलेश यादव जी के खिलाफ हूँ, मैं विचारधारा के खिलाफ हूँ। अच्छा, ऐसी विचारधारा
जो अमीरी और गरीबी की खाई को बढ़ा दे, जो जो लोगों को नफरत के द्वारा लोगों को बांटे। आज लगातार अखिलेश जी जातिवाद जातिवाद की बात कर रहे हैं, जातिवादी जनगणना की बात कर रहे हैं। जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार है, इन्होंने जनगणना की, जाति का विरोध करते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार विरोध करते हैं। 70 से 80 जातियां हैं जी, 70 से 80 जातियां जो कि पिछड़ा वर्ग में उत्तर प्रदेश में नोटिफाइड है। उनमें से लाभ किसको मिला? सिर्फ समाजवादी पार्टी के नाम पर, सिर्फ पिछड़ा वर्ग के नाम पर, केवल केवल यादव वर्ग को जी। तो जो जातिगत राजनीति कर रहा है, जातिगत बंटवारा कर रहा है देश में, प्रदेश में, अमीरी और गरीबी की खाई को जो बढ़ा रहा है, जो बुद्धिजीवी वर्ग को हमेशा बुद्धिहीन साबित करने की कोशिश कर रहा है, चुनाव के बाद हमेशा चुनाव आयोग को जो प्रश्न खड़ा कर रहा है क्या, और जो रामायण जलवा रहा है क्या, यही परिभाषा है समाजवाद की? तो अगर ऐसा समाजवाद है तो ऐसे समाजवाद को तो हर कोई खारिज करेगा। समाजवाद की यह परिभाषा बिल्कुल नहीं है। नई समाजवाद की परिभाषा अखिलेश यादव जी ने गढ़ी। कैसी भाई जी? बीजेपी जाति की बात नहीं करती क्या? जी जी, बीजेपी जाति धर्म की बात नहीं करती क्या? नहीं नहीं, देखिए बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास। अच्छा, और जो योजनाएं सम्मेलन कराते हैं उनमें बिना, आप लोग उनमें बिना जाति धर्म को देखे जी? नहीं नहीं, देखिए देखिए बड़ा डिफरेंस है यहाँ। अच्छा, हम वर्ग जो जो वर्ग हैं उन पूरे पूरे वर्गों को लेकर के साथ में चल रहे हैं। क्या बात है। और देखिए जो वर्ग वास्तव में पिछड़े रह गए हैं उन वर्गों को आगे लाना। जिस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह जी हुआ करते थे, यही राजनाथ सिंह ने जब विचार रखा था कि पिछड़ा और अति पिछड़ा, दलित और अति दलित, इन दो वर्गों में बांटने की बात जो है उस समय माननीय राजनाथ सिंह जी ने की थी। उस समय इसी समाजवादी पार्टी ने और बहन जी ने बहुत विरोध किया था कि आप जो संविधान ने दलित और पिछड़ा और सामान्य वर्ग बांटा है उसको आप बंटवारा करना चाहते, जबकि उसका उद्देश्य यही था कि जो लोग लगातार लाभ ले रहे हैं, लाभ की श्रेणी में जो लोग लगातार हैं, पहले उनके बाबा ने लाभ लिया, फिर पिताजी ने लाभ लिया, फिर बेटे ने लाभ लिया, अब पोता वही लाभ ले रहा है। यानी कि पिछड़ा वर्ग के नाम पर एक परिवार ही लाभ ले रहा है। अच्छा, दलित के नाम पर एक परिवार ही लाभ ले रहा है। अच्छा, तो उनको जिन लोगों को लाभ मिल चुका है उनको, और जिनको आज तक एक बार भी लाभ नहीं मिला, जो आज भी खुंचे की दुकानें लगा रहे हैं, आज भी सड़क पे फुटपाथ पे जमीन पे बैठ के जो रोजी रोजगार ढूंढ रहे हैं, तो उन दो वर्गों में अगर बांट दिया जाए, एक जो है 5-स्टार होटल में जाके भोजन कर रहा है, दलित है या पिछड़ा है, और दूसरा वर्ग उसी परिवार से उसी घर का, यानी कि उसी का भाई जिसको आज तक एक बार भी लाभ नहीं मिला, वो लैया चला लगा के बैठ रहा है सड़क के किनारे, तो अगर इन दो वर्गों को बांट दिया जाए क्या दिक्कत है? लेकिन इसी समाजवादी पार्टी ने विरोध किया और आज वो सारी जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, आज बंटवारे की बात कर रहे हैं। ठीक, तो एक ऐसा समाजवाद है। जवाब 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 लेता हूँ। प्रवक्ता सभा बोमन भाई, उन्होंने समाजवाद की व्याख्या कर दी, वहां पर मुख्यमंत्री ने की थी, यहाँ पर केसी भाई ने कर दी, अब आप क्या जवाब देंगे इस व्याख्या पर? ये कौन सा समाजवाद बता रहे हैं? कहना चाहता हूँ जी, मैं समझ गया, सुन रहे हैं जी। देखिये, मैं कहना चाहता हूँ जो समाजवाद है भारतीय जनता पार्टी के लिए ना तो मुख्यमंत्री को समझ में आएगा, ना प्रधानमंत्री जी को समझ के आएगा, ना इनके प्रवक्ताओं को समझ। क्या बात है, क्योंकि ये लोग संविधान विरोधी लोग, जो संविधान विरोधी लोग हैं और लोकतंत्र विरोधी लोग हैं, उन्हें ये समाजवाद समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इन्होंने संविधान का अध्ययन ही नहीं करा। जो संविधान का अध्ययन नहीं करते उन्हें पता ही नहीं कि प्रस्तावना में अगर कोई शब्द है तो वो केवल केवल समाजवाद शब्द है। और मैं कहना चाहता हूं जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि समाजवाद से ही रामराज्य आएगा, वो इस तरह आएगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है वो किसानों के लिए हत्या के लिए, अब हमें आतंकवादियों की ओर नहीं देखना पड़ता, हमें अपराधियों की ओर देखना नहीं पड़ता। गृह राज्य मंत्री का वीर पुत्र निकल जाता है और किसानों की हत्या कर देता है। अच्छा। इस प्रदेश और देश में नया सेटअप लिया है जी। ये केवल भारतीय जनता पार्टी की रंगत आई है। इसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ चिन्मयानंद जी और सैगर जी की ने क्या क्या इतिहास रचा वो भी देश और प्रदेश को पता है। अच्छा। अब आती है कानपुर की जो घटना आती है जी। कानपुर की घटना में के लोगों को समाजवाद समझ में नहीं आएगा क्योंकि इन्होंने बुलडोजर चलाया गरीब पर। जो FIR हुई है कानून के विद्यार्थी, उनका मैं आपको बताना चाहता हूँ। FIR में जो कर्मचारी है उनके पिता का नाम अज्ञात लिखा है। अच्छा। एक सरकार को अपने कर्मचारियों का जब बायोडाटा ही नहीं पता तो ये सरकार भूल गए होंगे। हाँ, भूल गए। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छी बात। रामवृक्ष यादव
आपके अप्रोच मुझसे ज्यादा बड़ी है, आप याद दिला दें, ठीक है, आप योगी जी आपको सुन रहे होंगे, सुन लिया। बोलिए, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ और सारी बहुत सारी घटनाएं हैं। अभी ये जो चिट्ठा लेके आया पूरा है मात्र जी, पूरा चिट्ठा लेके आया, घटना होगा आज छोड़ेंगे नहीं आज किसी भाई। हाँ, कानपुर की घटना, गाजियाबाद की घटना, डबल इंजन की घटना, हाथरस की घटना, बहुत सारी घटनाएं बताने को काफी है कि ये समाजवादी पार्टी को। और आज तो मैं व्हाट्सएप पर समाजवाद की बात कर रहे हैं, उसके रामप्रसाद यादव को याद है नहीं याद, कैसे सुन लीजिए, बार जवाब दीजिएगा, सुन लीजिए। हाँ, व्हाट्सएप के जरा इनसे कहिए, जरा अगर मुझसे साथ बहस कर रहे, धैर्य रखिए, मैं बहुत धैर्यवान व्यक्ति हूँ, बहुत धैर्यवान है। किसी भाई जवाब दीजिएगा, बार में खुल के जवाब दीजिएगा जी, बोलिए। हाँ, खुल के जवाब दीजिएगा, हम भी बहुत धैर्य से सुनते हैं, चाहे तुम्हारी बातें विचारधारा पसंद आए ना आए, लेकिन सुनते बड़े धैर्य से। बोलिए 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 भैया, ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक नंबर दो, आज जो राम राज्य की आवश्यकता इसलिए है, समाजवादी राम राज्य की आवश्यकता, क्योंकि जो इनको न्याय मिल पाएगा वो केवल केवल माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में मिल पाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ भी जो आपके जो स्थिति बन चुकी है कि जो बड़ी घटनाएं होती है जो उनको तो आप हाईलाइट करने का काम करते हैं, लेकिन जब आपके किसानों की हत्या, आपका गृह राज्य मंत्री का बेटा फूल जाता है, तो योगी जी की पुलिस के सांस फूल जाती है, और जब कोर्ट का आदेश होता है तब जाके बड़ी मुश्किल से उनकी गिरफ्तारी संभव हो पाती है। अच्छा, तो ये ट्रेंड इन्होंने सेट करा है, इसलिए इनको और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को समाजवाद शब्द आना भी नहीं चाहिए समझ में, क्योंकि ये लोग संविधान विरोधी है। अच्छा, और जो लोग संविधान को मानते हैं वो प्रस्तावना में जरूर समाजवाद को पढ़ा है। अच्छा, बिना संविधान विरोधी है संविधान, बिना, हाँ बिल्कुल, जो संविधान को मानते नहीं, 80-20 की बात कौन कर सकता है बताइए। अच्छा, शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश में 80-20 की बात करते, जबकि संविधान कहते हैं, जब शपथ ली जाती है तो कहा जाता है कि मैं अपने दायित्व को निभाते हुए ना कोई जाति देखूंगा, ना धर्म देखूंगा, ना भेदभाव करूंगा, और 80-20 से चुनाव जीत जाते हैं। अच्छा, तो ये लोगों पर समाजवाद की आशा करना पड़ता। अच्छा, आपकी पार्टी नहीं देखती थी, आपकी पार्टी धर्म मैसेज नहीं देखती थी क्या? देखिए, मैं आप बताइए, हमारे यहाँ तो 403 विधानसभा में अल्पसंख्यक समाज को टिकट के लायक समझा हमने, हम मानते हैं वो इस देश के निवासी है। नहीं, नहीं, आपने कहा ना कि वो पार्टी केवल 80-20 देखती है, आप लोग जो रोजगार कराते थे, आप लोग रथ यात्रा में, वो तो नवरात्रि के प्रायण तो कराते नहीं थे आप लोग, रोजगार कराते थे। मुझे आप ये बता दीजिए श्रीवास्तव जी, क्या हमारे यहाँ टिकट सभी जाति, अरे मैं तो आपको, आपने धर्म मैसेज की बात की तो मैंने आपको याद दिला दी, थोड़े का मैं थोड़ा कह रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ आपकी बात, ठीक है नहीं। अच्छा, नहीं नहीं, हो सकता है मैं गलत बोलूं, मैं कह रहा हूँ 403 विधानसभा में एक अल्पसंख्यक योग्य व्यक्ति नहीं है क्या उत्तर प्रदेश के, या उत्तर प्रदेश के मुसलमान इस देश के? बिल्कुल है, बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है, इस बात में आपके साथ हूँ भाई। तो क्या 403 टिकटों में एक व्यक्ति के टिकट के लायक योग्य नहीं पाते हैं? हाँ, मुख्यमंत्री जी से हमें आशा भी नहीं है, क्योंकि वो आशा भी नहीं है, उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है उसमें से एक व्यक्ति नहीं मिल पा रहा माननीय मुख्यमंत्री जी को डीजीपी बना ले, बिना डीजीपी के सरकार चल रही। अरे कल तो कार्यवाहक है तो भाई, कार्यवाहक है तो भाई, कार्यवाहक है तो डीजीपी, कार्यवाहक क्या होता है, कार्यवाहक सरकार है क्या? पूर्णकालीन सरकार है तो पूर्णकालीन डीजीपी होना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल सही बात, आप बताइए क्या कोई योग्य व्यक्ति नहीं है जो पूर्णकालीन बन सके? अच्छा, बिल्कुल सही बात, कार्यवाहक का क्या मतलब होता है, इतना बड़ा प्रदेश है ना जी, तो बहुत सारे विषय हैं। अच्छा, अभी बहस शुरू हुई है, मैंने इनको बहुत सारी बातों में जवाब दे दिया है, और निश्चित तौर से कहना चाहता हूँ, मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ हमारे प्रवक्ता साथी को, मुख्यमंत्री को, अगर समाजवाद समझ में नहीं, समझने की आवश्यकता भी नहीं है, संविधान को नहीं मानते जो उन्हें समाजवाद नहीं समझना, ठीक है ठीक है, लोकतंत्र को नहीं जो नहीं मानते, ठीक है ठीक है, समाजवाद, ठीक है। वेदप्रकाश मिश्रा, वेदप्रकाश मिश्रा जी, क्या राय है आपकी, जिस तरह से यहाँ पर तीखी नोकझोंक हुई, समाजवाद, रामराज्य, बिंदुवाद और व्याख्या मुख्यमंत्री द्वारा, कैसे देखते हैं? देखिए गौरव जी, जी राम राज्य की जो संकल्पना है, हाँ, उसकी मूल अवधारणा ही समाजवाद है। अच्छा, अब माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कहने का समाजवाद है वो तो राजनीति से प्रेरित है। अच्छा, चलिए, राजनीति में हम राम राज्य को खोज रहे हैं या राजनीति में हम समाजवाद को खोज रहे हैं? अच्छा, ये दोनों बिंदु अलग अलग हैं। ठीक, राम राज्य की कल्पना प्रत्येक व्यक्ति करता है और समाजवाद की कल्पना भी प्रत्येक नागरिक करता है कि समाजवाद स्थापित हो समाज में।
अच्छा, जैन साहब ने भी कुछ बिंदु रखे, मैं कुछ बिंदुओं से सहमत हूँ लेकिन कुछ बिंदुओं से असहमत हूँ। चलिए असहमत वाले बिंदु बता दीजिए। आप ये बताइए कि जैसे मान लीजिए आज ये कहा गया कि जातिगत जनगणना हो जाए, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बात पे सहमत नहीं। अच्छा, ठीक बात है, आप सत्ता में हैं, आप इनकार कर दें। लेकिन माननीय राजनाथ सिंह जी जिस समय मुख्यमंत्री थे जी, उस समय उन्होंने कहा कि दलित और अति दलित जी, पिछड़े अति पिछड़े जी, क्या इनका मूल्यांकन किए बगैर वो कोई इनको लाभ पहुंचा सकते थे जी? और अगर इनका मूल्यांकन हो सकता है तो फिर उन लोगों का भी मूल्यांकन अगर कर लिया जाए तो फिर दिक्कत क्या है जी? दूसरी बात यह कि क्या राम राज्य स्थापित करने का यही तरीका है जो वर्तमान सरकार तरीका अपना रही है? अच्छा, कौन तरीका अपना रही है भाई? निरंकुश नौकरशाही। अच्छा, नौकरशाही, सरकार के नियंत्रण में नौकरशाही नहीं है। नहीं है, नौकरशाही क्या कर रही है, या तो सरकार के उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप हो गया है, या फिर सरकार जानबूझ करके उस चीज का नजरअंदाज कर रही है कि ये जो कर रहे हैं वो ठीक है। आप कोई एक शिकायत कर दीजिए, उस शिकायत के ऊपर मनमाना जवाब आता है। आप विधानसभा में प्रश्न रखिए, उस पर मनमाना जवाब आता है। अच्छा, क्या राम राज्य की यही संकल्पना है? राम राज्य में तो गरीब और अमीर के बीच की खाई कम होनी चाहिए, लेकिन यहां तो गरीब और गरीब होता चला जा रहा है और अमीर होता चला भाई जा रहा है। बता रहे हैं, तो इस तरीके से इस राम राज्य की स्थापना कैसे हो सकती है जब तक समाजवाद स्थापित नहीं होगा? अच्छा, समाजवाद किसी व्यक्ति विशेष का समाजवाद नहीं है। समाजवाद की जब कल्पना करेंगे तो वही भारतीय जनता पार्टी की परिभाषा होगी। अच्छा, वही समाजवादी पार्टी की परिभाषा होगी, वही कांग्रेस की और वही राष्ट्रीय लोकदल की परिभाषा होगी। उसमें परिभाषा अलग अलग नहीं हो सकती है। अच्छा, हम अपने आप बताइए कि हम अलग परिभाषा बता पाएंगे। आप बताइए कि आप हम अपने निजी स्वार्थ के लिए अगर समाजवाद की और राम राज्य की परिभाषा अलग अलग करने लगेंगे तो क्या समाज उसको स्वीकार कर लेगा? किसी कीमत पर समाज स्वीकार उसको नहीं करेगा। लेकिन हम अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए किसी पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलाएं, लेकिन यह राज्य राम राज्य की संकल्पना नहीं है और ना ही यह समाजवाद की परिभाषा है। ठीक है, प्रतपाल सिंह सलूजा। सलूजा भाई, कैसे देखते हैं आप जिस तरह से यहां पर विधानसभा में सत्य चल रहा था और उस तरह की बातें हो रही है? रामराज की परिकल्पना सब चाहते हैं, सब रामराज चाहते हैं, पर रामराज्य का जो रास्ता है वो ही अपनाना नहीं चाहता है। यहाँ पर अखिलेश यादव ने अपना रामराज बताया, समाजवाद बताया कि आधार जरूरी है, और बीजेपी ने समाजवाद की दूसरी एक यहाँ पर व्याख्या की, मुख्यमंत्री ने स्वयं की सत्य के दौरान। कैसे देखते हैं आप? गौरव जी, भगत कबीर जी की एक दोहा याद आता है इस बात को लेकर जी। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर जी, राही को छाया नहीं फल ला गया के दूर। अच्छा, ये भारतीय जनता पार्टी पे एकदम फिट होता है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के ऊपर पूरी तरह से फिट होता है। अच्छा, इनके इनकी बातों से जो जनता को, जो अभी तक हम, मैं भी नागरिक हूँ उत्तर प्रदेश का, आप भी एक नागरिक है, बाकी लोग बैठे सब लोग नागरिक है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में। अच्छा, सरकार का काम होता है व्यवस्था को बनाना, सरकार का काम होता है राम राज जैसा राज कायम करना। अच्छा, सरकार का काम होता है कि समाजवादी जो विचारधारा थी योगी जी की, उसकी स्थापना करना जी। महात्मा गांधी जी ने माना था कि ग्राम सभा की स्थापना वो होना चाहिए जी। भीमराव अम्बेडकर जी का एक सपना था कि सभी को शिक्षा की कुंजी मिलनी चाहिए, ये स्थापना करने का काम सरकार की, व्यवस्था बनाने का काम सरकार का जी। मगर उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप देखेंगे जी, अभी हालिया भी जो इनका बजट सत्र निकला है जी, जिसको इन्होंने भारी भरकम बजट साबित करके बताया, हर क्षेत्र में लोगों को लाभ देने की बात कही। किसान हमारा आज भी अछूता है, किसान आज भी आत्महत्या उत्तर प्रदेश में कर रहा है। अच्छा, गन्ना किसानों को आज तक भुगतान नहीं हो पाया, लोगों को जो आलू का वो भाव नहीं मिल पा रहा, लोग सड़कों पे उतर रहे हैं, अपने अपने अनाज को सड़कों पे फेंक रहे हैं, उनको अनाज का दाम नहीं मिल रहा। युवा जो रात रात भर आंख में प्याज और लहसुन की केमिकल डाल डाल के रात रात भर पढ़ाई कर रहा है और हाथ में बड़ी बड़ी डिग्री लेके यहाँ से वहां धक्के खा रहा है, उसको नौकरियां नहीं मिल रही जी। महिलाओं को उत्तर प्रदेश तक सुरक्षा नहीं दे पा रहे, आप एक दूसरे पे तंज कस रहे हैं,
हम कहते हैं चलिए अखिलेश यादव को गए कितने साल हो गए, आप 7 साल से उत्तर प्रदेश में राज कर रहे हैं, अपने 7 साल के कार्यकाल को ही बताते भाई आप 7 साल में आपने क्या किया, भारी भरकम बजट आप लोगों को बता देते हैं। अभी आपने चुनाव से पहले गौरव की अमित शाह जी यहाँ पे कहते हैं जब चुनाव उत्तर प्रदेश में कितना था इनको, उन्होंने कहा था कि हर होली दिवाली में हम सिलेंडर मुफ्त देंगे, बिजली किसानों को 5 साल तक मुफ्त मिलेगी और बिजली का भाव आधा किया जाएगा, उल्टा इन्होंने 50 रुपए बढ़ा दिए सिलेंडर के ऊपर, घरेलू सिलेंडर जो था और कमर्शियल सिलेंडर के ऊपर 350 रुपए बढ़ा दिए और बिजली 23% बढ़ने जा रही है, उसके ऊपर जीएसटी उसकी लगेगी वो अलग होगा जी। तो भारतीय जनता पार्टी अपने अपने कर्मों की बात करे जी, गौरव जी अपने कर्म कर रहे हैं, उनको भगवान जी राम जी उनको अपना फल देंगे, प्रतपाल सिंह अपना काम कर रहा है भगवान जी हमको अपना फल देंगे जी। यहाँ पे एक दूसरे पे इल्जाम लगाकर एक दूसरे को आईना दिखाकर हम कभी भी प्रदेश का भला नहीं कर सकते हैं। हमने दिल्ली के अंदर स्थापना की भीमराव अम्बेडकर जी के सपने की, उन्होंने कहा था शिक्षा की कुंजी सभी के हाथों में होनी चाहिए तो समान शिक्षा कर दी, दिल्ली के 20 लाख बच्चे चाहे वो किसी भी जाति से रहे किसी भी जाति के हो सबको समान शिक्षा देने का मुफ्त शिक्षा देने का काम हमने किया। हम लोगों ने भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से वहां पे ट्यूशन की व्यवस्था शुरू कर दी, तो 5 लाख 6 लाख 7 लाख ट्यूशन डॉक्टर बनने के लिए इंजीनियर बनने के लिए लगता था, उसको हम लोगों ने कहा कि हम सरकार आपको देंगे, संतुष्ट नहीं आप बीजेपी से की जो ग्राम सभा की स्थापना थी उसको हमने दिल्ली में स्थापित किया, तो जो जो समाजवाद की स्थापना हमने दिल्ली के अंदर स्थापित की सभी को समान शिक्षा समान स्वास्थ्य, आप समाजवाद से आप समाजवाद से सहमत है कि नहीं है, बिजली पानी बिल्कुल सहमत है, लेकिन समाजवाद कौन समाजवाद और सपा प्रमुख के समाजवाद है कोई चीज ये कैसे स्थापित होगी गौरव जी ये बताइए जी। आप हमें मौका दे रहे बोलने का, आप सबको आपने मौका दिया बोलने का, तो ये स्थापित आप कर रहे कि आप एक आदर्श स्थापित कर रहे कि चलो प्रतपाल का टाइम है प्रतपाल बोलेंगे, जैन साहब का टाइम है जैन साहब बोलेंगे सपा, तो ये आपको करना पड़ेगा, आप जवाब के बदले जवाब नहीं दे सकते, जवाब के बदले आप उसका हल निकाल के दीजिए, ये नहीं कि आपने किया, आपके समय में ऐसा होता था हत्याएं नहीं होती थी बलात्कार नहीं होते थे किसानों का पैसा नहीं रुकता था तो हम भी करेंगे, ये कौन सी बात होगी। तो आपको इसीलिए लोगों ने वोट दिया था कि आप उत्तर प्रदेश में बहुत हुई महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार बहुत हुई महंगाई महंगाई अब की बार भाजपा सरकार, तो महंगाई भी आप कंट्रोल कर पाए, और चुनाव से पहले जब वोट लेने जाते हैं तो लोगों को सिलेंडर मुफ्त देने की बात कहते हैं बिजली मुफ्त देने की बात करते हैं, तो दोगली बात हो गई ना कि आपके पास सत्ता आ गई तब तक रहेगी सर ठीक है, ये कब तक रहेगी, रावण भी बहुत अहंकार सर ठीक है सुनील त्रिपाठी सुनील त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार आप क्या रहे जी, सबकी बात सुनी आपने। हाँ मैंने सबकी बात सुनी, मैं अपनी भी बात रखना चाह रहा हूँ। बिल्कुल बोलिए। मेरा ये मानना है कि अब ना लोहिया जी का समाजवाद रह गया, अच्छा राम जी का रामराज रह गया। क्या बात, अगर लोहिया जी का समाजवाद होता तो जातिवाद वंशवाद क्षेत्रवाद न होता, अच्छा और अगर भगवान राम का राज्य होता तो क्या रामायण जलाई आती। क्या बात, इस बात से आप सहमत हैं गौरव जी? बिल्कुल, कि जिस राम राज की हम कल्पना कर रहे हूँ उस राम राज्य में सरेआम रामायण जलाई जा रही हो कैसा राम राज्य है जी, मेरी तो ये समझ नहीं आ रहा है कि राम राज के दुहाई देने वाले जलती हुई रामायण को देख रहे हैं और किसके लिए बोल रहे हैं आप ये? जो जो रामराज की दुहाई दे रहा हो, अच्छा मैं उसके लिए कह रहा हूँ आपके राष्ट्रीय चैनल से गौरव जी, जी कि आप रामराज की कल्पना कर रहे हैं लेकिन रामायण को जलते हुए भी आप देख रहे हैं और जलाने वाले को भी जो रामायण को जलाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है उस पर भी आप कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। अच्छा कैसा है राम राज्य है और कैसा अखिलेश जी का समाजवाद है, मेरी तो ये समझ से परे नजर आ रहा है। और गौरव जी, जैसे अभी भुवन जी ने कहा कि चिन्यामन जी ने किया, तो मैं याद दिलाना चाह रहा हूँ कि दूध के धुले कोई राजनीतिक दल नहीं है। क्या बात, जिस समय आपकी सरकार थी उस समय गायत्री प्रसाद प्रजापति जी का क्या हाल हुआ था। और गौरव जी एक घटना मैं आपको और दिलाना चाह रहा हूँ, उस समय माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, कानपुर में बहुत बड़ा रैकेट पकड़ा गया था, अच्छा जिसमें उत्तर प्रदेश के एक जिम्मेदार नेता का नाम सुर्खियों में काफी रहा, अच्छा लेकिन सरकार थी समाजवादी पार्टी की इसलिए उसको बचा लिया गया। अच्छा अच्छा। तीसरी आपको अतीत घटना याद दिलाऊं, माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे और 7 बच्चों की लाश सचिवालय के अंदर मिली थी, वो बच्चे किसके थे? 2 बच्चों को तो मुझे याद, सीतापुर के 2 बच्चे पकड़े गए बच्चे थे जिनकी लाशें मिली थी, और उसमें जो मेन अभियुक्त मीडिया के माध्यम से जानकारी में आया समाजवादी पार्टी ने उसको बचा करके ड्राइवर के खिलाफ FIR कराई।
और अच्छा। उन बच्चों को आज तक न्याय नहीं मिला। अच्छा, तो आप दूधे भवन जी कहाँ हैं? अच्छा। राजनीतिक दल में तो आप एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, सच्चाई में आप आइए। अगर आप संविधान की बात करते हैं तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, क्या संविधान में लिखा है कि आप रामायण जलाएं, रामायण की प्रतियां जलाएं? संविधान को, संविधान की दुहाई तो गौरव जी देते हैं लोग, लेकिन संविधान को सही तरीके से कितने लोग मान रहे हैं? अगर मानते होते तो रामायण न जलाई जाती। थोड़ा किसी भाई पे बोल लीजिए, आप केसी भाई, इसलिए कि सरोजा जी सही कह रहे हैं, सिलेंडर आपने 1150 का कर दिया, क्या आपने सोचा कि उससे गैस गरीबों घर में कैसे चलेगी? ये एक चिंतनीय विषय है। आपने कॉमर्शियल सिलेंडर बढ़ा दिया तो वैसे दूध बढ़ा दिया तो हम लोग मीठा खाने तरस रहे हैं, अब तो लग रहा है रोटी खाने तरस जाएंगे। तो आखिर केसी जी कम से कम सिलेंडर पे और डीजल पे तो थोड़ी रहम कर दीजिए, हम लोगों को हफ्ते में एक दिन मीठा खाने मौका दे दीजिए। होली कैसे बनेगी? होली कैसे बनेगी? ना घर में लकड़ियां रह गई है, ना सिलेंडर आ जा रहा है, तो आखिर क्या हम लोग बतासे खा के होली मनाए अपनी? निवेदन मेरा आपसे उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, कम से कम सिलेंडर आप सस्ता कर दीजिए इससे, और दूध पे टैक्स कम कर दीजिए। कभी कभी हमारे बच्चे भी देख लें इस देश में कहीं मीठा बनता है और खा लें बेचारे। ठीक है कैसी भाई, बस एक एक सेकंड बोलिए, बोलिए। चलिए ठीक है, चल ठीक है, ठीक ठीक। कैसी भाई, भुवन भाई बड़े नाराज थे आपसे, आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं? इतने लोगों के नाम आपके गिनाए, उन्हें पूरा चिट्ठा लेके आए हुए थे, और यहाँ पर आप जो अच्छाई की बात करते हैं, क्यों बात करते हैं अच्छाई की? प्रतपाल भाई भी आपसे बड़े नाराज हैं, वो कह रहे हैं कुछ कर नहीं रहे आप लोग, केवल देखिए। गौरव जी, जी गौरव जी देखिए, अभी हमारे जो रेड्डी के साथी हैं, हाँ, वेद प्रकाश जी, हाँ, उन्होंने एक बात कही कि अगर समाजवादी पार्टी का समाजवाद नहीं बचा है, अगर जो परिभाषा आज माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे थे समाजवाद की परिभाषा, तो क्या जनता उसको स्वीकार करेगी? बिल्कुल नहीं स्वीकार करेगी, और उसके परिणाम सामने हैं। 2012 से लेकर के 2017 तक पूर्ण बहुमत की सरकार होने के बाद में भी समाजवादी पार्टी को ऐसा क्या लगा कि कांग्रेस के साथ 100 सीटों पे उसको गठबंधन करना पड़ा? अच्छा। और उसके बाद भी सफाया हो गया, यानी कि कांग्रेस के वोट और समाजवादी पार्टी के वोट दोनों मिलकर के भी सरकार बनाने की स्थिति में तो छोड़िए, ये 60 का आंकड़ा नहीं पार कर पाए। तो कुल मिलाकर के जो बात आरएलडी के साथी ने कही वो बात तो पहले से सिद्ध हो चुकी है। अच्छा। कि आपको जनता ने नकार दिया, ठीक। और वहां तक ही नहीं, दोबारा फिर जनता ने आपको नकार दिया जब 2022 का इलेक्शन हुआ, भी आपको जनता ने नकार दिया। तो जो चीज आपने की उसका जवाब तो सामने है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अभी बार बार समाजवादी पार्टी के साथी जिक्र कर रहे थे जी। कि भाई लखीमपुर में क्या हुआ सबने देखा, तो लखीमपुर में जो कुछ हुआ उसके परिणाम भी सबने देखे। अच्छा। आप लोग ही कह रहे थे कि भाई आपकी सरकार है, आप बचा ले जाएंगे, कुछ नहीं होगा। और जो मुकदमा गैर रात्रि हत्या का मुकदमा जो लिखा हुआ था जी, 304 का जो मुकदमा था, जो एक्सीडेंटल केस का मुकदमा था जी, वो मुकदमा 307 में किसने कन्वर्ट किया जी? इसी सरकार ने, इसी पुलिस ने जाकर उसको कन्वर्ट किया। वो सुप्रीम कोर्ट का जब हस्तक्षेप हुआ है किसी जज ने, तब हुआ है, बाकी यहाँ के लेवल पे तो आप लोगों ने उसको निपटा ही लिया था, किसानों को भी निपटा दिया था और देश को भी निपटा दिया था, और उनके लेवल पे जब सरकार के लेवल पे इसमें हस्तक्षेप हुआ है, और इसमें हस्तक्षेप हुआ है कोर्ट के लेवल पर, तब जाकर के ये मामला उनकी पहुंच पाएगी ना मेरी पहुंच पाएगी? हमने दैन से सुना, और अभी कई भी रहे समाजवादी पार्टी के साथी सभी लोग धैर्य का परिचय दे जी, तो कम से कम जवाब सुन लीजिए। अच्छा देखिए, जब धारा तनवीन हुई, धारा चेंज हुई जी, 304 से 307 में जब धारा कन्वर्ट हुई, गैर रात्र हत्या से हत्या के प्रयास का और हत्या का मुकदमा जब 302 का कन्वर्ट हुआ। अच्छा। तो उस समय पे जी, कहीं पे ऐसा नहीं था जी, कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को ही आदेश आया जी, वो उसने काम किया, आदेश आया उसके लिए आंदोलन चलाया गया, और आज भी आंदोलन चल रहा है। अगर ऐसे ही आप ईमानदार थे और आम राज्य स्थापित कर रहे थे तो आप मोदी जी का इस्तीफा ले लेते ना। ये सब बातें हो चुकी है, उनका बेटा 302 में मुजरिम है, और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायालय के आदेश के ऊपर ये सब काम हुआ था, तो अब आप उसकी सफाई में दलील क्या दे रहे हैं भाई?
आपने उसमें कौन सा हस्तक्षेप किया, सरकार ने उसमें कौन सा हस्तक्षेप किया, सरकार ने क्या कार्रवाई की, सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, सरकार ने तो किसानों को झुंझुना पकड़ाया है, किसानों के लिए साथ क्या किया है, आप झूठ बोल रहे हैं, आप लोगों ने झूठे लोगों से बात करने का कोई मतलब नहीं, आप लोग तो झूठ बोल रहे हैं, आपको आपको अरे किसानों के साथ आप क्या कर रहे हो, आप 6 साल से सत्ता में हो, 10 रुपया गन्ने का रेट नहीं बढ़ा पाए, आप क्या बात करेंगे किसानों की, और आप क्या बात करेंगे राम राज्य की, आप राम राज्य की कल्पना दिखा रहे हैं, लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं, आज तक आप टोनी का इस्तीफा क्यों नहीं दिया, बारे 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 जो लोग राम राज्य साथ भ्रष्टाचारी है जी, जो लोग स्वयं भ्रष्टाचारी है, राम वृक्ष हाँ, यादव जैसे हाँ, दुर्दांत अपराधी को जो लोग पाल रखे थे, अच्छा, जो लोग नक्सलियों को पाल रहे थे, नक्सलवाद को बढ़ावा दे रहे थे, आज वो राम राज्य की बात कर रहे हैं, आज उनको राम राज्य याद आ रहा है, अच्छा, इसी मुख्यमंत्री आवास के सामने हाँ, आवास के पास में 200 मीटर की दूरी पर वहां पर 2 बच्चियों की लाशें मिली थी, और उनके साथ क्या क्या कुछ हुआ था ये भी सारी बातें सामने आई थी, 2 बच्चियों की लाशें मिली थी, और आपको ये भी याद होगा बदायूं कांड भी आपको याद होगा जी, वहां पर भी किस तरीके से पेड़ से लटकी हुई 2 बच्चियों की लाशें मिली थी जी, और माँ उसकी कई बार थाने तक गई FIR दर्ज कराई, FIR नहीं दर्ज हुई थी, बाद में 2 बच्चियों की लाशें मिली थी, और घटना क्या सामने आई थी कि रेप करके उसके बाद 2 बच्चियों की हत्या करके पेड़ पर टांग दिया गया जी, तो आप ये सब चीजें मत गिराइए, हम कच्चा चिट्ठा लेके बैठेंगे तो 2 घंटे निकल जाएंगे, 1 घंटे की डिबेट क्या जी, तो विषय ये नहीं है, विषय ये है जिस राम राज्य की बात हो रही है, तो देखिए समाजवादी पार्टी के राम जो राम राज्य है वो पूंजीवादी राम राज्य है, अच्छा, वो जो है अमीर और गरीब की खाई को बढ़ाने वाला राम राज्य है, जातिवाद को बढ़ाने वाला राम राज्य है, लेकिन जो संवैधानिक रूप से राम राज्य है बिल्कुल, अभी जो आदरणीय पत्रकार वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने जो बात कही कि राम राज्य ना तो राम राज्य बचा है ना समाजवाद बचा है, लेकिन वही राम राज्य वही समाजवाद है जो संविधान के द्वारा समाजवाद की कल्पना की गई है, वही राम राज्य है, और उसकी स्थापना करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। ठीक है भुवन भाई, यकीन भाई तो पूरा समाजवाद को अलग ही परिभाषा बताते नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं आप लोग राम राज्य यादव भूल गए, आप नक्सलियों को पालते थे, मैं इनको बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहा था, मैं इनको पूछना चाहता हूँ, आज हंगर स्ट्राइक में उत्तर प्रदेश कहाँ खड़ा है, महिलाओं के उत्पीड़न में आपने कभी स्टैटिस्टिक्स के इसके वो देखे कभी, इनका अध्ययन करा आपने, आपने पता करा कि महिला उत्पीड़न में कौन सी जगह पर है, आप इसको देखा कस्तूरियन डेथ में हम लोग कहाँ पर खड़े हैं, महिला अपराध में हम लोग कहाँ पर हैं, निश्चित तौर पर ये आंकड़े की जो बाजीगरी कर रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स जानते हैं, वो जानते हैं कि सरकार फिसलती होती, मैं आपको बताना चाहता हूँ आज उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है हंगर स्ट्राइक में, इसका अध्ययन कर ले आप लोग, आप लोग इसका अध्ययन कर ले, महिला अपराध में हम कहाँ पर है, कस्टोडियल डेथ में हम लोग कहाँ पर है, और हम लोग जो हमारा जो ग्रोथ रेट है उसमें कहाँ पर है उत्तर प्रदेश, स्थिति भयावह है उत्तर प्रदेश आज जो ये, और इसके लिए दोषी केवल केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्योंकि ये जो सरकार है ये बिल्कुल विरोधी है उन गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के, युवाओं के, जो परीक्षाएं लीक हो रही है उनके विरोधी सरकार है, निश्चित तौर पर इसका जो आवरण है गरीब किसान की राजनीति करने का है, और निश्चित तौर पर कहना चाहते हैं मैनपुरी में और खटौली की जनता ने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कराया 36,000 करोड़ रुपए के चुनाव में निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश के किसानों का नफरत की राजनीति करने ऐसी हमने पूरी उत्तर प्रदेश की नहीं बटे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और किसानों के हितैषी अपने आप को आप बता रहे हैं, आज 5 किलो की सरकार 5 किलो जो 10 साल तक आप समर्थन देते रहे उसको पकाने के लिए 1100 रुपए भुवन जी बोल रहे हैं फ्री के अनाज को पकाने के लिए सिलेंडर चाहिए भाई, 5 किलो फ्री चावल को पकाने के लिए 1100 का सिलेंडर चाहिए, अच्छा 1150 का 2013 में 2013 में 1325 रुपया था गेहूं का मूल्य MSP,
आज एमएसपी हम 2125 रुपया दे रहे हैं, 800 रुपया बोरी, 800 रुपए प्रति बोरी पे किसानों को फायदा हम देने का काम कर रहे हैं जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। और आप 50 खुले मार्केट में आज गेहूं का रेट क्या है? आज खुले मार्केट में गेहूं का रेट है 3200 रुपए और आप एमएसपी दे रहे हैं 2200 रुपए, 2100 रुपए की बात कर रहे हैं। 1934 रुपए में आपने हमको जो एमएसपी दिया था किसानों को, उसके बाद आज की तारीख में 3200 रुपए क्विंटल गेहूं बिक रहा है खुले मार्केट में। आप किसानों को गुमराह करना बंद कीजिए। आज आटे का मूल्य हो गया 45 रुपए किलो और उसके ऊपर आपने लगा दी। किसानों को आपने एक भी रुपए मूल्य आपने गन्ने पे नहीं बढ़ाया और आलू का किसान आलू को खुले खेत में ठीक है और कोई भी आदमी खरीदने के लिए तैयार नहीं है। सरकार की कोई पॉलिसी नहीं है, सरकार का कोई रामराज नहीं है। जी बोलिए, 125 रुपए प्रिंसिपल भाई बोलिए। जल भाई किसी भाई सुन लीजिए, प्रिंसिपल से समझा बोल रहे हैं हमारी पार्टी 150 रुपए में आप गन्ने का मूल्य भाई 6 साल से आप 10 रुपए मूल्य नहीं बढ़ा पा रहे हैं और आप बता रहे हैं किसानों का भला कर रहे हैं। जल भाई प्लीज कम से कम 25,000 करोड़ रुपया बोल रहा है हमारी पार्टी से बोलिए। और जब हमने 1.5 महीने आंदोलन चला करके आपका दबाव बारे बारे बोले बारे बारे बोले कि आप गन्ने का मूल्य घोषित करके आपने पुराना मूल्य बोलेंगे प्रिंसिपल सलूजा बोलेंगे हमारी पार्टी बोलिए। गौरव जी आपके चैनल जो राष्ट्रीय चैनल है इसके ऊपर उन्होंने इतना बड़ा झूठ जैन साहब ने कहा कि आशीष मिश्रा टेनी का जो गैर इरादतन जो मुकदमा दर्ज था उसको हम लोगों ने 307 में कन्वर्ट किया, इन्होंने नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने किया, दुनिया ने जा। अच्छा, अब मैं अभी अभी कुछ दिन पहले आपने विधानसभा के अंदर अमिताभ बच्चन का बहुत बड़ा डायलॉग सुना था कि मिट्टी में मिला देंगे। अच्छा, तो मिट्टी में मिलाने का काम ये किसका होगा? विपक्ष का करेंगे? अमिताभ बच्चन नोड़े बोले थे भाई, कैसी बात कर रहे हैं आप? मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री बोले थे आपको अमिताभ बच्चन नजर आते हैं क्या? मुख्यमंत्री जो अमिताभ बच्चन वाला डायलॉग बोले थे वो मैं आपके सामने रखा नहीं मिला रहा है क्या? मिट्टी नहीं मिला रहा है क्या? एक सेकंड गौरव जी, मैं कंप्लीट कर लू, मेरे पास कुछ डेटा है। कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर 28 मुकदमे चल रहे हैं, कब बुलडोजर चलेगा? अच्छा, विजय सिंह के ऊपर 106 मुकदमे चल रहे हैं वाराणसी वाले, कब मुकदमा चलेगा? धनंजय सिंह के ऊपर 46 मुकदमे जौनपुर वाले पे चल रहे हैं, कब उनके ऊपर बुलडोजर बाबा जी का मिट्टी में मिलाएंगे उनको? राजा भैया जो इनके समर्थन में खड़े हैं 31 मुकदमे उनके ऊपर चल रहे हैं, कब बुलडोजर चलेगा? प्रीतपाल जी, डॉक्टर प्रीतपाल जी, आप क्या आंकड़ा लेके बैठे हैं? 83 मुकदमे चल रहे हैं, राजनीतिक मुकदमे और अपराधों में डिफरेंस होता है, और वो क्रिमिनल जो फरार हो किसी को सिंह दिल्ली की याद दिला रहे हैं आप, जिसके पर भाई जो इनामी किसी को दिल्ली की याद दिला रहे हैं, सोनू सिंह, अजय सिपाही, पिंटू सिंह, सन्नी सिंह, मतलब कम से कम सिसोदिया जी ने सरेंडर कर दिया ना देखिए जो कानून का पालन करेगा तो सरेंडर कर देगा बुलडोजर नहीं चलेगा। कुछ बोल रहा है भाई, सुन लीजिए, हाँ बोल लीजिए फिर। देखिए देखिए, चाहे सिसोदिया जी हो चाहे सत्येंद्र जी हो, जिन लोगों ने सरेंडर कर दिया है उनके घर पे बुलडोजर नहीं चलेगा। अच्छा, सरेंडर बुलडोजर उनके घर पे चलेगा जो भागते पे चलता है, उनके घर पे चलेगा। अच्छा, जो फरार घोषित है जिनके ऊपर इनाम घोषित हो चुका है। अच्छा, और जो राजनीतिक व्यक्ति है, राजनीतिक मुकदमे है और सरेंडर कर दिए है, उनके घर पे बुलडोजर नहीं चलेगा। इसलिए आम आदमी पार्टी को डरने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखिएगा, डरेंगे नहीं। आज की डिबेट को सेव कर लीजिएगा कि जो सिलेंडर करेगा उसके ऊपर बुलडोजर नहीं चलाते बाबा। अच्छा, ठीक है ना? क्या तो रहे भाई, क्या तो रहे भाई। अब गौरव जी मैं कंप्लीट कर लूं। बोलिए। श्री राम जी जब श्रीलंका को जीत के जब आए थे अयोध्या जी में, बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा था जहाँ पे श्री राम जी को राजा अभिषेक के लिए रखना चाहता था, उनको अभिषेक होना था राजा अभिषेक जी। तब उनसे पूछा गया कि भाई कोई वीआईपी आदमी आपके तरफ से कोई हो कोई बता दीजिए कोई वीआईपी। उन्होंने कहा 14 साल तक मैं बंद रहा, मुझे पता नहीं कौन क्या है, कैसा है, कौन कितना बड़ा राजा हो गया, मैं मेरे निगाह में कोई अभी वीआईपी नहीं है जी। थोड़ी देर बाद
ने बुलाया और कहा कि यार केवट था, केवट को बुलाओ, तो केवट ने मुझे नाव पे बैठा के नैया पार कराई थी मेरी, उस केवट को बुलाओ। मगर यहाँ पे जो राज राम राज की बात करते हैं, बुलाते किसको है अपने, जब इनको शपथ ग्रहण 2014 और चाहे 2019 हो, चाहे बाबा जी को आता कौन है, अडानी अंबानी टाटा बिरला, वहां पे कोई वोट देने वाला आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, राम के नाम से आए मगर चंदा चूरी में लिखता है, जैसे कांग्रेस को अडानी 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 सपने में आते रहे, वैसे ही आम आदमी पार्टी को भी अडानी सपने में आने लगे। कह रहा है आपको सपने आ रहे हैं, किसी भाई बोल रहे हैं आप लोग अडानी अम्बानी सपने आ रहे हैं बोल रहे हैं, किसी जन बोल रहे हैं प्रिपल भाई, बिल्कुल भाई इनके इनके भाई हैं। अच्छा अडानी सपने में आपके क्यों आ रहे हैं भाई, इनके भाई इनके सपने में आना चाहिए, मोदी अडानी मोदी अडानी भाई भाई दोनों ने मिलकर खाई मलाई। अच्छा आज ही कोयला घोटाला संजय सिंह ने खोला, आपने भी देखा। अच्छा कि कोयला घोटाला के अंदर जब 2014 में माननीय सुप्रीम कोर्ट कह रही है अरे शराब घोटाले के बारे में बता दीजिए कुछ, शराब घोटाला करने वाले सिसोदिया जी को आप लोग बता रहे हैं, वो तो शिक्षा मंत्री है, अरे शिक्षा मंत्री को थोड़ा गिरफ्तार किया गया है। अच्छा गिरफ्तार किया गया शराब घोटाले बाद को, जिसने शराब का घोटाला किया घोटाले बाद को गिरफ्तार किया गया है, शिक्षा मंत्री की आड़ में बच जाएंगे क्या, शिक्षा मंत्री की आड़ में आप बचा ले जाएंगे, बचा नहीं पाएंगे, बचा नहीं पाएंगे। आप गए थे सीधे सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सीधे गए थे, सुप्रीम कोर्ट की आप हर मामले में सुप्रीम कोर्ट की आपको वर्डिंग लेकर के आते हैं, सुप्रीम कोर्ट का उदाहरण देते हैं, सुप्रीम कोर्ट के तथ्यों को सामने रखते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने आपने क्या कहा, आपने कहा वहां पर सीबीआई गलत तरीके से जांच कर रही है, गलत तरीके से पूछताछ कर रही है, यानी कि आप सीबीआई पूछताछ करें, आप बताएंगे, आप तय करेंगे किस तरीके से सीबीआई पूछताछ करे, और सुप्रीम कोर्ट ने आपको खारिज कर दिया, कहा लोअर कोर्ट जाए जमानत कराइए, यहाँ बताइए जाने का अगर हम ऐसे सुनवाई करते हैं भारतीय जनता पार्टी है वो लगातार नस्ताभंग करना चाह रही है युवाओं के उन सपनों को जो नौकरी मांगने जाता है, परीक्षा लीक का हम उदाहरण देख पा रहे हैं, हम किसानों का देख पा रहे हैं, जो इन्होंने कहा था आय दुगनी होगी, उसके बाद स्थिति देखिए आज गन्ने पे हम जा रहे थे वेस्टर्न यूपी में, गन्ना किसान बेल्ट है जी। यहाँ पर गन्ने की मूल्य निर्धारित करने के बाद था, बढ़ाने की बात थी, वो नहीं बढ़ पाया, 14 दिन में इन्होंने कहा था कि पेमेंट नहीं करेंगे तो ब्याज देंगे, पेमेंट भी नहीं दे रहे तो ब्याज भी नहीं दे रहे, तो निश्चित तौर पर छल करने का काम कर रहा था। और जब आंदोलन हुआ था एमएसपी पे बात होने की बात हुई थी, उस पर प्रधानमंत्री जी अब तक कोई जवाब नहीं दे रहे किसानों को, और जो यहाँ आए थे उनकी जो हत्या हो गई 700-800 किसानों की, उस पे इन्होंने कहा था शहीद का दर्जा देंगे, उनको मुआवजा देंगे, वो मुआवजा नहीं मिल पाया अब तक। निश्चित तौर पे किसान विरोधी है, महिला विरोधी है, और निश्चित तौर पे युवा विरोधी है, और ये सरकार के जो नफरत नफरत की जो राजनीति है वो एक इनकी नई दुकान खोली है इन्होंने नफरत की राजनीति की। अच्छा, वो इनकी केवल फल फूल रही है। अच्छा, फल फूल रही है इनको, कई जरा कुछ धैर्य है नहीं इन लोगों में भारतीय जनता पार्टी के लोग, अब तो सरकार में अब तो थोड़ा धैर्य होना चाहिए, हमें विपक्ष में रहकर इतना धैर्य है क्या बात, अब कम से कम सुना करो अपने विपक्ष को, ये तो बिल्कुल धैर्य नहीं है आपके अंदर, अरे मैं तो कुछ बोल भी नहीं रहा हूँ, तब भी धैर्य नहीं है, धैर्य नहीं है, पहले बोल रहा हूँ जी। गौरव जी देखिए समस्या क्या है, कि अपनी बात को ये जबरदस्ती जनता की बात कहना चाह रहे हैं। अच्छा, जनता की जो बात है, जनता जो कहना चाह रही है, उसने अपना मत बूथ के अंदर वोट के रूप में बंद करके दे दिया। अच्छा, और जब खुला तो सबके अंदर छटपटाहट पैदा हो गई, और वही छटपटाहट आज तक दिखाई दे रही है। अच्छा, और ये अगले पूरे 4 साल तक और दिखाई देती रहेगी ये छटपटाहट, क्योंकि ये जो इनका जो अपना मत है उसको ये बार बार जनता का मत जनता का मत जनता का मत बताना चाहिए, और जनता ने अपना मत पेटी में बंद कर दिया, आईवीएम में बंद कर दिया, और जब वो खुली तो कहा रे 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 ये क्या हो गया भाई, ये तो बेईमानी हो गई, ये तो चोरी हो गई, ये तो ईवीएम गड़बड़ है, ये तो चुनाव आयोग गड़बड़ है,
अच्छा। अरे जनता ने जो मत बनाया वो अपना मत दे दिया, ठीक, बंद कर दिया मैनपुरी में भी, और जब खुला थोड़ा याद जब कर खुला तो आपको जनता के मत का समर्थन करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए अपनी हार। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं जनता पक्ष में नहीं है, महिला विरोधी है, जनता विरोधी है, किसान विरोधी है। अरे किसानों के लिए 68,000 देखिए निश्चित तौर पे हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं किसानों के लिए, वो जो समाज के साथ कांग्रेस का समर्थन करते रहे, लोहिया जी का सपना था उसको हम केवल केवल माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में, विकास की सोच वाले नेता के नेतृत्व में प्राप्त कर सकते हैं। इस लड़ाई को हम लोग जो आखिरी लड़ाई है, जो जाति जनगणना की जो हमारी मांग है, पिछड़ों का आरक्षण खाने का काम ये लोग कर रहे हैं लगातार। आप देखिए अभी निकाय चुनाव क्यों लेट हुए, क्यों ने सरकार नहीं चाहती थी, सरकार ने अपना पिछड़ा आयोग का गठन नहीं करा, सरकार अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पा रही है। निश्चित तौर पर ये सरकार जो है ये संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी है, और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम संविधान और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई को भी लड़ रहे हैं। ठीक है, भाई बात पूरी करिए, काफी नाराज है जी। गौरव जी जी, जिस राम राज्य की बात भारतीय जनता पार्टी के हमारे कहते हैं, ये राम राज्य नहीं है। क्या है फिर? ये अपने ढंग से राम राज्य की परिभाषा करके, अच्छा, और राम राज्य स्थापित करने के लिए और लोगों को स्वीकार करने के लिए बाध्य करते हैं, बाध्य कर रहे हैं। अच्छा, कि आप लोग हमारे राम राज्य को स्वीकार करें। अच्छा, हर चीज तो ये पेटेंट करने की कोशिश करते हैं। राम को ये कितना भी पेटेंट करें, राम तो सबके हैं, रामायण तो सबकी है, बिल्कुल, लेकिन इसके ऊपर इतने कलह मचाने का जो काम है वो कहां से पैदा होता है। अच्छा, इसके बारे में भी बहुत विचार करने की जरूरत है, और समाज को भी इसकी जानकारी है। जी आप देखिए, रामायण जला रहे हैं वो कौन है? आप रामायण जला रहे हैं वो कौन है? आप रामराज की बात कर रहे हैं, रामायण कौन है? क्या रामायण जलानी चाहिए? जब रामायण जला रहे हैं तो क्या रामायण जलवानी चाहिए? रामायण जला रहे अखिलेश यादव, रामायण जलाने वालों का हम समर्थन करने नहीं आए, और ये भी कह रहे हैं रामायण के आप ठेकेदार हैं, जला रहे हैं रामायण समाज का एक लेकिन पवित्र लेकिन जब रामायण की सबका है, तेरा ठेकेदार नहीं उसके साथ आस्था है, आप उसके ठेकेदार नहीं है, हाथ जलने लगे, आप उसकी ठेकेदारी मत लीजिए। अगर इतने भी रामायण के आप मानने वाले हैं तो रामायण को आप कितना भी मानते हो, लेकिन रामायण तो एक नहीं मानते, राम को मान सकते रहे थे, लेकिन राम की एक नहीं मानते। हाथ जलने लगे, आप बताइए क्या राम राम की एक कल्पना थी कि जो राजा राज के ऊपर बैठेगा वो विपक्ष के लोगों का उत्पीड़न करेगा, उनका शोषण करेगा, जनता का उत्पीड़न करेगा, गरीबों की बात नहीं सुनेगा, किसानों की बात नहीं सुनेगा, और अहंकार में डूबा रहेगा, नौकरशाही निरंकुश हो जाएगी। जब चौधरी जयंत सिंह जी हाथरस जा रहे थे दलित बेटी की हत्या के मामले में, तो पुलिस ने उनके ऊपर निहत्थे लोगों पे लाठी चार्ज किया और उनके ऊपर भयंकर लाठी चार्ज हुआ। क्या राम राज्य की यही संकल्पना है? आप बता रहे हैं मैं राम राज्य स्थापित कर रहा हूँ, राम राज्य में ही बुलडोज वो आपका बुलडोजर चल रहा है, जरा टेनी के घर पे भी चलवा देते बुलडोजर, आप उनसे ले लेते हैं इसके बाद। आप बताइए ना, आप रामायण रामायण गा रहे हो, और भी तो बात करिए आगे की, रामायण से आगे तो निकलो, महाभारत शासन काल में महाभारत भी तो है इस देश में, जो आप बताइए क्या हो रहा है, आप बताइए ना क्या हो रहा है? आप इसी तरीके से राम राज्य स्थापित करेंगे? आपने जो किसानों को चलने वाले लोग थे उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर पाए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने जब हस्तक्षेप किया तब मजबूर होकर के आपने उनके खिलाफ कार्रवाई की, कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। न्यायालय ने जिसको सजा दे रखी आप तो उस पर भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आपके आप बताइए ना कि कौन ऐसा हमारे यहाँ है जिसको न्यायालय ने सजा दी बाहर नहीं किया, कार्रवाई नहीं की हो, जिनके साथ आपका गठबंधन है, आपने पार्टी से बाहर नहीं किया, आरोप भ्रष्टाचार का गले लगाए, गले बलात्कारियों को सहारनपुर, सुनील त्रिपाठी बोलेंगे, सहारनपुर मुजफ्फरनगर, बताइए कि सहारनपुर मुजफ्फरनगर में जो दंगे हुए, जो झगड़े हुए, भूल गए उसमें किसके कार्यकाल में दंगे हुए थे? अच्छा, टेनिक तो आप लोग बड़े प्यार से कहते हैं, लेकिन सहारनपुर मुजफ्फरनगर मुरादाबाद और लखनऊ में भी दंगे जो हुए किसके कार्यकाल में हुए? अच्छा, क्या उस समय आप सरकार नहीं थी? आप ट्रेनिंग तो बार बार बात करते हो, ट्रेनिंग की फांसी क्यों नहीं दी गई, चलिए कोई बात नहीं है। आपके कार्यकाल में कितने दंगे हुए?
मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ जी आए हैं एक दंगा हुआ बता दीजिए, जो सत्य है वो आपको बड़ा बुरा लगेगा। बता दीजिए क्या बोल रहा है। इससे पहले कितने दंगे होते थे, मैं इनको जवाब देना चाहता हूं, इनको बताना चाहता हूं। अगर आप जवाब देना चाह रहे हैं तो सचिवालय जो बच्चे सुनिए, सुनील भाई जवाब ले लीजिए, बोलिए जवाब दीजिए। मैं इनको बताना चाहता हूँ, जरा कम से कम माननीय न्यायालय का तो सम्मान कर लीजिए। माननीय न्यायालय के द्वारा आपके विधायक सैनी को बर्खास्त करा गया क्योंकि वो दोषी पाए गए आपके दंगे में। मुजफ्फरनगर का दंगा आपके उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा रचा गया। अच्छा। और उसकी सजा सारे वाँ 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 क्या करती है? आप लोग कोई दंगा करते ही नहीं है। जो बच्चे मृत मिले थे आज से 20 साल में सचिवालय में, वो भी भाजपा ने किया था। उस समय सरकार भुवन जी आपकी थी, और सबसे ज्यादा खाद्यान्न घोटाला समाजवादी पार्टी सरकार में हुआ, जिसकी अभी सीबीआई जांच चल रही है। तो ऐसा नहीं है कि आप विपक्ष को सत्ता पक्ष को ही दोषी मानते हैं। अच्छा। जब जब सरकार आप आई नौकरी आप बात करते हैं। हाँ। आपकी सरकार में भुवन जी केवल यादव लोगों को रखा गया जी। मेरे भाई जवाब दे दीजिए। सारे सारे जब भर्ती नंबर आया तो वहां पिछड़े वर्गों नहीं केवल यादव वर्ग को सबसे ज्यादा। न मानिए तो आप भी इंटरनेट पर देख लीजिए, डाटा पड़ा हुआ है कितने लोगों को नौकरी पर दिया गया। और गौरव जी एक सेकंड बोल दीजिए, जिस राम की कल्पना हम कर रहे हैं, प्रभु श्री राम ने अपने पिता के एक वचन के लिए सत्ता छोड़कर के वनवासी बन गए। अच्छा। और यहाँ ऐसे राम बैठे हैं कि सत्ता के लिए पिता किनारे कब्जा कर लिए। अच्छा, कब्जा वो प्रभु श्री राम बढ़िया कि ये श्री राम बढ़िया, कैसा राम राज्य है जिसकी राजनीति लोग चर्चा कर रहे हैं। जल्दी जवाब दीजिए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। मैं इनको बताना चाहता हूं, वो पार्टी है कल्याण सिंह ने कुर्सी को लाभ पार दी भगवान राम के मंदिर की स्थापना के लिए। यही कल्याण सिंह थे, यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उसके बाद अभी कोरोना काल में, कोरोना काल में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपने पिताजी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवाद की एक अलग ही व्याख्या सदन में सबके सामने रखी। अब समाजवाद बेहतर है या किसी और रास्ते रामराज की स्थापना कर सकते हैं वो तो शायद नेता जानते हो, जानती है जनता जनार्दन भी। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर बेहतर हो रहा है रास्ता कोई भी हो तो उस बेहतर की तरफ, अंजाम की तरफ जाना चाहिए। केवल आरोप प्रत्यारोप से यह काम नहीं चलने वाला है, केवल बयान से काम नहीं चलने वाला है। अगर वास्तव में हम बेहतर रामराज की कल्पना करते हैं तो उसके लिए रामराज जैसी स्थिति बनाइए, सबको यहाँ पर समान अधिकार मिले, सबको समान शिक्षा समान व्यवस्था मिले, गरीबी दूर हो और अमीर और गरीब के बीच में कोई दूरी ना रहे, केवल अमीर अमीर ना होता जाए और गरीब गरीब ना होता जाए। जब यह व्यवस्था सुधरेगी तभी हम रामराज की स्थापना कर सकते हैं, उसकी कल्पना कर सकते हैं, अन्यथा केवल इस तरह की बातें बयानों में रहेंगी, इसके अलावा इसका कोई वजूद नहीं रह पाएगा आने वाले समय में भी। चलते रहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात है जो मुद्दे हैं उस पर संघर्ष करते रहिए, और वास्तव में बदलाव चाहते हैं तो उसके जरूरी मुद्दों पर जरूरी बातों पर ध्यान रखिए, अन्यथा व्यवस्थाएं इस तरह जो परिवर्तित बन हुई हैं वो परिवर्तित नहीं हो सकेंगी। तो आज की चर्चा में इतना ही, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।